नमस्कार, झरोका चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं और उनको याद करने का एक आसान तरीका। यहाँ पर हमने एक छोटी सी कविता रची है और इस कविता को हमने धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं के जो शीर्षक हैं उनके माध्यम से रचा है। तो आइए देखते हैं इस छोटी सी कविता को। मैं इस कविता को आपके लिए पढ़ रही हूँ। यह अंधा युग है कनु प्रिया, इंसान यहाँ गुनाहों का देवता। कौन सा स्वर्ग और पृथ्वी कैसी, यह मुर्दों का गांव कनु प्रिया। नदी प्यासी थी कनु प्रिया, मैं ले आया ठेले पर हिमालय और सूरज का सातवां घोड़ा। एक दिन चांद और टूटे हुए लोग जागेंगे, यह सपना अभी भी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर आप ये जो कविता को देख रहे हैं, इस कविता में जो लाल रंग से लिखा हुआ है वो सब धर्मवीर भारती जी की जो बहुचर्चित रचनाएं हैं उनके शीर्षक हैं। आप इस कविता को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इस कविता की दो या तीन लाइनें भी आप याद रख पाते हैं तो आप परीक्षा में उनकी चार पांच रचनाओं के नाम लिख सकेंगे, जिससे कि परीक्षक के सामने इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनकी इन सभी रचनाओं के शीर्षक दिए हुए हैं। वो रचनाएं भी दी हुई हैं जो इस कविता में नहीं शामिल की गई हैं और उनका जीवन परिचय भी मौजूद है। आप उनका जीवन परिचय की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। और एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, जीवन परिचय लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन परीक्षा में आप जीवन परिचय में अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रचनाओं के ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखकर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप इसी तरीके के और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको अपनी राय बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।